don't know how to take this. I don't wanna break this. We're living in the moment, living in the moment. Your head is on my shoulder, but never getting older. Baby, it's you and I. Assalamualaikum, welcome back to the new vlog. तो आज है जुमा और जुमे के दिन हम लोग क्या करते हैं? बिरयानी बनाते हैं अपने घर वालों की. क्या करते हैं? क्या करते हैं? ओ भाई, मारो मुझे, मारो. दावत. चलो पहले नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि मुझे क्या बनाना है, क्योंकि जिया तो कोई काम करती नहीं. आपको पता है औकात में रहो. किसने बनाया था? मारते नहीं है छोटी बहनों को. शाबाश बेटा, बुरी बात है मारना. मारा. बस एक्टिंग नहीं करो. ये चुप्पे. आज हमने बिछा दी है चुछाई. क्योंकि अम्मी को बहुत आजकल लग रही है सर्दी, क्योंकि बारिश. अम्मी को झूठी बताऊं वो वाला किस्सा. कंट्रोल. बता दे. चुप, बिल्कुल चुप. हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? पंकज यूं खोला. आपी कोई तुम्हारी सुनता ही नहीं है. आप ही हमेशा की तरह हमें हलवा पूरी परोसते हुए. ये आप ही हलवा पूरी परोस रही है. ये पूरियां आ गई. हलवा कहाँ है? ये सालन है. कोई हलवा नहीं है. है ना, पीछे पिसा हुआ है. ओके. अचार. हलवा कहाँ है? हलवा नहीं है. हलवा नहीं होगा तो मैं नहीं खाऊंगी. मत खाना. तुम्हें शर्म है कुछ? और तुम्हें खाना भी नहीं है. हम खाने भी नहीं देंगे तुम्हें. गाइस, आप ही को मौत पड़ रही है धागा खोलते वक्त. तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ. किसी को मौत पड़ती है, सिर्फ इसको मौत नहीं पड़ती. हाँ, मुझे नहीं पड़ती. तारा नीदा. अरे कहना क्या चाहते हो? क्या था ये सॉन्ग? आलसी तारा नीदा आलसी. म्यूजिक. जिया ने क्या बनाया है? मस्त जोक मारा. कोई इंग्लिश सॉन्ग था? हाँ, इंग्लिश नहीं था बेटा, कुछ और होगा. हमें पता नहीं, हम जाहिल हैं. शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया. हम नहीं, तुम. आप भी कौन जाहिल है? तुम. गजब बेइज्जती है. कौन? तुम? तुम. अरे तुम. यू. ठीक है, मैं जाके हिल रही हूँ. बाय. कैमरा पकड़ो जी, मैं हिल रही हूँ जाकर. जल्दी फोकस करो, मुंता इतरा रही है. मैंने कहा था ना जाओ हिलो. आ गई, अब हिल रही हूँ. ओए मोए, गुड एक्टिंग. बेस्ट अवार्ड एक्टिंग गोज टू मुंतहा द ग्रेट शेफ. ये नाश्ता ले आई है गाइस. अम्मी मेरे लिए स्पेशल नाश्ता बनाती है. इतनी अच्छी माँ तुम्हें कहाँ मिलेगी? मुंतहा यही पर ही, हमारे घर पर ही. कदर कर लो मुंतहा, इतनी अच्छी माँ की. ये देखो, अम्मी ने मेरे लिए छोटू सा मक्खन ला के दिया है. शर्मों की तरह, मतलब कि मैं कदर नहीं करती. आज का नाश्ता देख लो तुम लोग, अभी खाते हैं इसको. बेबी आ गया माया. कॉपी पहन लिया आपने? पोला लग रहा है पप्पा का बेबी. सुबह सुबह उसके ऊपर चाय गिर गई थी, इसके पापा ने फिर इसकी पिटाई करी. ए, उठा ले रे देवा, उठा ले रे पापा. ये भी कैसा लगा था? आप भी यहाँ पे खा रही है बिना हमारे? भी खा रही हूँ हलवा पूरी for the first time of my life. हलवा रखूंगी इसके ऊपर. मजा आता है सालन में गाइस हलवा मिक्स करके खाओ. ये तो वियर्ड वियर्ड कॉम्बिनेशन है, ये सिर्फ हम ही बता सकते हैं आपको. ओए होए होए. इबी ने भी खाया है गाइस. इबी आपने भी खाया है? यम्मी खा देगा. बोलो यम्मी. अब मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पर मैंने अम्मी से सारी सब्जियाँ कटवा के रखी हुई हैं. हम बनाएंगे वेज पुलाव. एक चावल ही ऐसी चीज़ है जो कि मैं चाहकर भी नहीं छोड़ सकती. यू नो फर्स्ट लव वन लव. इब्बी कपड़ा लेने आया है और देखो कितनी तमीज से बन भी कर रहा है स्टोर. कहाँ जा रहे हो इब्बी, बता दो. कॉपी लेके जा रहे हो? आज जुमातुल मुबारक है और इस दिन सूरह कहफ पढ़ी जाती है, तो चलो जल्दी से सूरह कहफ पढ़ते हैं और दूसरी सूरतें पढ़ते हैं. और मुंतहा तो पढ़ेगी नहीं. सबको जुमा मुबारक. मुंतहा ने सूरह कहफ पढ़ती हूँ. सूरह कहफ तुमने नहीं पढ़ी? सुबह से अभी पढ़ लो मगर नहीं मजा ले मेरी बात से. नहीं रिकॉर्ड करना, तुम्हारे सामने पढ़ूंगी. यहाँ पर रखा होता है हमने कुरान पाक. ये वाला कुरान ना मेरा मोस्ट फेवरेट है, क्योंकि ये कुरान मुझे आठ से दस साल पहले मुझे मेरी एक टीचर की तरफ से गिफ्ट मिला था. बाजी ने दिया था, हमारी बाजी ने. हाँ. जब तुमने कुरान पाक खत्म किया था तो. हाँ, तुमसे ज्यादा मुझे पता है ना. और पता है अच्छी बात क्या है, मैंने मुंतहा से जल्दी कुरान पाक याद करके खत्म किया था एक साल में तकरीबन. तो उस वक्त मुझे एक गिफ्ट मिला था और एक चादर भी मिली थी. वो तो चादर तो जाहिर है कपड़ा है तो वो तो खराब हो जाती है. तो ये जो है ना, मुझे कुरान इसलिए बहुत पसंद है, तो मैं जब भी पढ़ती हूँ ना तो मैं इसी में से पढ़ती हूँ. पर मैं कुरान पाक पढ़ रही हूँ और इब्बी देखो यहाँ पर क्या कर रहा है ना. यहाँ पर इसने चश्मा वश्मा अम्मी का लगा रहा है और गाड़ी साफ कर रहा है. इब्बी गाड़ी साफ करो जल्दी, चश्मा रख दो मम्मा का. इसने रख दिया. कितना तो पॉला बेबी मिला. सही से गाड़ी साफ करो, अच्छे से करो. इसकी गाड़ी पर डस्ट भी पड़ती है ना, खुद ही साफ कर लेता है ये. है ना, है ना गाइस? को बताओ बताओ क्या कर रहे हो, जोर से बोलो. इधर देख के बोलो.
बनने वाला दिखा दो व्यूअर्स को, बनने वाला यार मैं कुरान थोड़ा सा पढ़ लूं। हाँ ठीक है। इब्बी अब ये वाली गाड़ी साफ कर रहा है, हर दफे एक नया कपड़ा लिया था और उसको पता होता है कपड़ा कहाँ पर है। जल्दी से साफ करो, अच्छे से सारी डस्ट मिटा दो। खेलो नहीं। वेरी गुड बेबी, देखो निकाल के साफ किया है। आज कौन सा रायता बनाओगी? आज मैं बनाऊंगी प्याज वाला रायता, जो तुम्हें शायद पसंद है। क्या नहीं मुझे नहीं प्याज वाला, यानी वो दही को पतला करके फिर उसमें वो जो डालते मसाला। हाँ प्याज वाला। नहीं, अच्छा खुद से बनाऊंगी। मसाला वही ना जो मैं कह रही हूँ, नहीं जो तुम कह रही हो ना मसाला डालते हैं वो मैं खुद। अच्छा वो वाला भी खुद बनाऊंगी। चलो डन हो गया। डन है। गाइस ये देखिए इतना सारा सा मसाला गिरा दिया। तुम ना हमेशा वही पिछले पर मैंने अम्मी को बताया तुम्हारी पिटाई हुई थी। कितनी पिटाई करी थी अम्मी ने मेरी। ये डाल देंगे सब मसाले सारे ही मैंने निकाल के रखे हुए थे। मैंने कहा जी आएगी ना जैसे ही मैं ठक करके डाल दूंगी आपको दिखा दूंगी। सब कुछ मैंने अरेंज करके रखा होगा। ठंडा के मारो तुम, हटो। मैंने कहा मुंतहा इब्बी से नाराज है। इब्बी आपने क्या किया है बताओ? मारा था ना इब्बी। कैचर ला के मेरे सर पर ठोक दिया। उसके बाद रिमोट पकड़ा सर पर ठोक दिया, जोर से मारा अचानक, मुझे पता नहीं था। इब्बी आपने ऐसा किया है? जी कह दो, इतराफ करो जुर्म का। इधर देख के सामने देखो, कैमरे की तरफ, गाइस की तरफ देखो। जी बोलो। इतराफ नहीं कर रहा। इब्बी रोते कैसे? अच्छा मैं कान पकड़ू, रोके दिखाओ। रोके दिखाओ, इधर मुंह करके। गाइस को कुछ नहीं दिखा रहे ना आप आज। यहाँ बन रहा है रायता। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैंने ही बताया है इसको। गाइस आज मैंने नाश्ता नहीं किया क्योंकि मैंने नहीं करवाया ना। इतनी हराम जो हो तुम। तुम कितनी चलाक हो, बस अपनी बड़ाई करती रहा करो कभी ना कभी। और नहीं करवाया तो उसमें तुम्हारी गलती है, नहीं करवाया तो क्योंकि तुम्हारी गलती, क्योंकि तुम लेट उठी थी। अरे तुम लेट उठी थी, मुझे चक्कर आ रहे हैं आज। आज मुझे गिनना आ रहा है। एक मिनट। अच्छा गाइस आपको कुछ क्लू ना हो ना तो आप ये क्लू बना लो। घर में दही जमाया था मुझसे। गाइस ये देखिए दही भी अम्मी ने जमाया था और इससे मुंतहा रायता बना रही है। ये प्रिपेयर किया है। इसके अंदर मैंने हरी मिर्च भी अम्मी से कुटवाई थी। ये डालेंगे। तुम आधे से ज्यादा काम तो अम्मी से करवाती हो। क्योंकि अम्मी करके दे देती है। क्योंकि अम्मी करके नहीं देती तो तुम्हें आलस आती है। आलस शुक्र करो मौत नहीं बोला। बॉम्बेस्टिक साइड आई। आज से कूट कूट के बनाया है मैंने। तुम तो ऐसे तुम्हें करके देगा कोई? बताओ ऐसी बहन मिलेगी कहीं से? हाँ वो ऐसी मिल जाएगी जो 3 बजे तक करवा दे। ऑर्डर पे बनानी पड़ेगी। ऑर्डर पे 3 से 4 बजे तक जो बहन करवा देगी सबको मिल जाएगी। बस कर दो बेइज्जती कर दो। गाइस हर ब्लॉग में ऐसा होता है मुंतहा, और मैंने 10 भी पकड़ी हुई। मुंतहा 5 से 6 बजे देखिए हम रोजाना इस बात को डिस्कस कर रहे थे जब भी पुलाव बनता है। और आज जुमा है तो पुलाव तो बनना ही है। तो बंद करना कैमरा। बताओ ऐसे कैमरा तो बंद कर। नहीं यार कर ना। नहीं तुम मुझे बता दो। बताओ इतने चालाक हो ना तो करेंगे मिक्स। हम चावल डाल रहे हैं। फाइनली अनबॉक्सिंग हो चुकी है और धुआं देखो। अनबॉक्सिंग धुआं। अरे भाई मेरे यहाँ अनबॉक्सिंग होती है। अच्छा तुम्हारे यहाँ ऐसा ही होता है? हाँ। चलो ठीक है। अनबॉक्सिंग कितनी अच्छी लग रही है। आज तो ये खाने में भी अच्छी हो। कभी तेल कम हो जाता है कभी ज्यादा हो जाता है। मुंतहा से थप्पड़ मारूंगी। जी नहीं मैं हमेशा ऐसी करती हूं। जब भी मैं तुम्हारी तारीफ कर रही हूं तुम्हारी पीछे यही आवाजें आती हैं। थप्पड़ मारूंगी जी या थप्पड़। अब झूठी कहेंगी। गाइस बस प्लीज प्रे के अच्छी हो प्लीज। चलो अम्मी सो रही है ना? सो रही है अम्मी। पिटेगी तो तू सही पिटेगी तो तू। ये आ गया रायता जिसको बहुत ही बारीक करके दही को बनाया गया है ताकि जो है कम से कम दही लगे। मतलब क्यों झूठ बोलती है? झूठी कहीं की। मुझे पता नहीं अच्छा लगता है। जितना दही हो उससे डबल पानी है तो बस क्या कर सकते हैं। मुंतहा जैसे लोग ऐसे ही करते हैं। और आप ही वहाँ गुस्सा करके बैठी हुई है पिछले एक दिन से। यहाँ पर अम्मी भी बैठी हुई हैं। अम्मी ये बंदा ने सही कही। गुस्सा करके बैठी हुई है आप ही। किसी चीज में हेल्प नहीं कर रही पिछले 2 दिन से। करने दो इधर देख के बोले आपको फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता। आप भी नाराज हैं? मैं भी नाराज हूँ। हाँ आप बोले भाड़ में जाओ तुम लोग। भाड़ में जाओ। सबसे पहले अम्मी को दिया जाता है। गाइस मैंने अम्मी को कहा भी था कि साथ में 100 रुपए वाली या 50 रुपए वाली कोल्ड ड्रिंक घुमा दे। अम्मी कहती है बता रही हूँ। अम्मी कहती है चलो खुद लेकर आ जाओ बाप का माल लगा हुआ है। ऐसे बात तो सही कही है। बाप का माल तो है ही नहीं। कोई मसला नहीं है। मूड खराब नहीं करना। मूड खराब नहीं होना चाहिए। मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। पहले अम्मी को दिए ताकि अम्मी द ग्रेट टेस्टर
द ग्रेट मिस्टर ट्राई करेंगे और बताएंगे कि मुंतहा ने कुछ ज्यादा डाला है या कुछ कम डाला है कि नहीं। अम्मी ऑन कैमरे में बताइएगा, ठीक है? जब कैमरा ऑफ हो जाता है आप तब बताएंगे। बताएं, नमक नहीं कम होना चाहिए। होना नहीं चाहिए, है तो वो गलती बताएं। जल्दी 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 जी, तुम्हारी कम लगता। और ये आ गया है मेरे लिए। अम्मी को क्या लग रहा है? नमक कम लगता है, अम्मी की बात को सीरियस ना लें गाइस। बहुत चला को तुम। अम्मी बताएं, आप खुलकर बताएं। खुलकर बता रही हूं। क्या नमक थोड़ा कम लग रहा है? नमक कम लग रहा है तुम्हें तो अपने हाथ का सही लगेगा। अभी मैं टेस्ट करके बता गाइस। बिल्कुल अभी भी मैंने टेस्ट किया है, थोड़े मुझे ना टेस्ट लेस लग रहे हैं। टेस्ट थोड़ा उसमें कम है। आई मीन टू से कि मुझे थोड़े अम्मी कच्चे कच्चे लग रहे हैं, कनी कनी लग रही हैं गाइस। अम्मी नहीं बताती हैं, मैं बता रही हूँ। अजीब से बिल्कुल ना शुरू में बहुत अजीब टेस्ट आ रहा है, है अम्मी? शायद ज्यादा गर्म है इस वजह से, है अम्मी? सही है, पर सही है। ओके ओके, ये मैं थप्पड़ मारूंगी तुम्हें, हमेशा ये करती रहती हूँ अम्मी के। गाइस असलियत से बनाते हो ना, असलियत असलियत ये होती है। नो बॉन्डिंग शॉन्डिंग, वेन असलियत केम बाहर केम बाहर। इतने लगे बना के जाओ और ये टमाटर वाला आया है तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।